हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स। फिजिक्स का आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है वर्ड इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, और एस्टेटिक्स दूसरा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज रेस्ट में होता है। ओके, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उससे रिलेटेड क्या क्या फेनोमेना हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जो टॉपिक्स का वो टॉपिक जो 12 में ऐड किया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है फिजिक्स का, उसका एनसीईआरटी कितना चैप्टर कवर करता है। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट दो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा आपका। तो चैप्टर वन जो है एनसीईआरटी का वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, तो फर्स्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड जो चैप्टर है एनसीईआरटी का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो ये दोनों चैप्टर एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर में आता है और ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को जानना है इसमें वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले जो उसको नोटेशन जो उसको डिनोट किया जाता है क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मीन्स इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो ये गुण है। जैसे आप लोगों ने मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ के रखा होगा कि मेटल का प्रॉपर्टी है कि वो सोनोरस होता है, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है। उसी तरीके का प्रॉपर्टी है चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल पार्टिकल्स का। अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल्स? जिस पार्टिकल से मिल करके एटम बना है। क्या बना है? एटम बना है। तो चार्ज प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी है, प्रोटोन का प्रॉपर्टीज है और अल्फा पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज है एक्सेट्रा, इसमें ये सब आएगा। तो ये किस टाइप का प्रॉपर्टीज है? चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल का तो प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये किस टाइप का प्रॉपर्टीज है? तो फंडामेंटल पार्टिकल का वो प्रॉपर्टीज जिस प्रॉपर्टी के कारण वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट या तो रिपेल कर सकता है, इसी प्रॉपर्टीज को चार्ज बोला गया है। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा, ड्यू टू विच दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। इस प्रॉपर्टी के कारण फंडामेंटल पार्टिकल्स एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। जैसे अगर दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के नजदीक लाया जाए तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों करेगा? चार्ज प्रॉपर्टी होने के कारण। ये दोनों में सेम चार्जेज है। जो चार्ज, जिस तरह का चार्ज, जिस टाइप का चार्ज इलेक्ट्रॉन में, तो ये दोनों में सेम चार्जेज है। तो सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपल्सन करता है। ओके, यही अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नजदीक लाओगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये जिस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है उसी प्रॉपर्टी को चार्ज बोला गया है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बोला गया है। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है एक दूसरे को उसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ओके, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा, ड्यू टू विच दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल इच अदर। ओके, तो आइए अब देखते हैं यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसआई यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट जो चार्ज का है वो कूलम है। क्या है? कूलम है, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और सीजीएस यूनिट जो चार्ज का है वो स्टेट कूलम है, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर शॉर्ट में ईएसयू भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो एबी कूलम है। क्या है?
एबिकुलम है। तो ये तीन यूनिट्स यहाँ पे बताया गया है, पहला एसआई सिस्टम में जो है वो कुलम है, दूसरा सीजीएस सिस्टम में वो स्टेट कुलम है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो एबी कुलम है। ओके, ये तीनों के बीच रिलेशन क्या है, तो वन कुलम चार्ज इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलम, यानी 1 एसआई यूनिट में जो 1 कुलम है वो 3 × 10⁹ स्टेट कुलम के इक्वल है, या फिर 1/10 एबी कुलम के इक्वल है। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला जो चार्ज का होता है वो एटी होता है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया कहां से, तो याद कीजिए करंट के लिए एक फॉर्मूला है I equal to Q by T, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो अगर इस टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो I इंटू टी क्यू दे देगा, यानी टाइम इंटू करंट जो है वो चार्ज को बताता है। तो यहीं से डायमेंशनल फॉर्मूला आया है, चार्ज के लिए Q और करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एम्पियर के लिए A आता है और टाइम के लिए T आता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो चार्ज का है वो AT है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस का टाइप, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की अगर बात करें तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज किस में है, प्रोटॉन में है। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो दोनों में चार्ज है वो चार्ज सेम है, दोनों में चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसमें भी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। लेकिन नेचर की बात करें तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो चार्ज प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल का, यानी इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम चार्ज करते हैं तो वो कैसे चार्ज होगा, तो पहले ये समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो किससे बना है। कोई भी ऑब्जेक्ट, आप जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है, और एटम का फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ओके, तो कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के हर पार्टिकल बना, यानी हर पार्टिकल में, हर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ओके, तो अब देखो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में है उतना ही, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में है उतना ही चार्ज प्रोटॉन में है, बट एक में नेगेटिव है और दूसरे में पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई ऑब्जेक्ट जिसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल रहे तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है और नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कब होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो तभी पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है जब उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, एक्सेस हो। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज को अगर डिफाइन करेंगे तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रोटॉन ऑब्जेक्ट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है प्रोटॉन से तो वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा ये डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कि कौन एक्सेस है, कौन ज्यादा है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल की बात करते हैं, हम लोग पढ़ चुके होंगे पिछले पहले ही 9 में ही हम लोग इस चीज को जानते हैं 9 से कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अगर एटॉमिक नंबर 11 है इट मींस इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा और प्रोटॉन भी 11 होगा। तो जितना ही नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281 होता है, और हम जानते हैं कि ये बॉन्डिंग करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जो वैलेंसी कहलाता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 और 8 यानी 10 ही रह जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, और प्रोटॉन एज यूजुअल जितना पहले था उतना ही रहेगा, 11। तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 11, और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया,
10, यहां पे ओवरऑल 1 पॉजिटिव चार्ज यानी 1 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे ज्यादा है, इसीलिए यहां पे क्या लिखा जाता था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम को Na+ लिखा जाता है। Na+ लिखने का मतलब क्या है कि सोडियम पे एक प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहां पे 1 प्रोटॉन एक्सेस है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को, चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए 10 प्रोटॉन का जरूरत है, लेकिन एक प्रोटॉन एक्सेस है, इसीलिए एक प्रोटॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे प्रेजेंट है। तो कोई भी एटम या फिर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में से कौन ज्यादा है। अगर प्रोटॉन एक्सेस है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स 100 है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इनिशियली शुरू में इसमें कोई चार्ज नहीं है और ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। और इसी तरीके से एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 200 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 200 है, यानी जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इनिशियली शुरुआत में इसमें कोई चार्ज नहीं है और ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। फिर हम एक प्रोसेस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट से 50 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिए इस ऑब्जेक्ट में, ओके। जब इस ऑब्जेक्ट से 50 इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करेंगे इस ऑब्जेक्ट में, तो इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी 100 इलेक्ट्रॉन पहले था, 50 ट्रांसफर हो गया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा, और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी 100 पहले था तो अब भी 100 रहेगा, यानी 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद इस ऑब्जेक्ट में 50 प्रोटॉन एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 50 ज्यादा है, तो 50 प्रोटॉन एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन एक्सेस होने के कारण ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ओके। और ये ऑब्जेक्ट जिसने 50 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, पहले से इलेक्ट्रॉन 200 था तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन 250 हो गया, पहले से प्रोटॉन इसमें 200 था तो अब इसमें प्रोटॉन 200 ही है, क्योंकि प्रोटॉन में कोई चेंजेज नहीं हुआ है, पहले इसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इस ऑब्जेक्ट में 50 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने के कारण ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो अब ये यहां तक समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने के कारण ये नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन एक्सेस होने के कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अब है कि ये कितना चार्ज होगा, तो इसमें जो भी टोटल चार्ज होगा वो Q इक्वल टू 50 प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो 50 एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और कितना प्रोटॉन एक्सेस है, 50 है, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, प्लस ये बता रहा है पॉजिटिव चार्ज को। इसमें कितना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा अगर इसकी बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस है 50, ओके। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो 50 इंटू 1.6 करोगे तो 80 आ जाएगा, तो ये 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज के इक्वल होगा, लेकिन ये चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। समझ पा रहे हैं यहां तक। तो अब बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, इस चीज को पता करने के लिए बहुत पहले एक डिवाइस डेवलप किया गया था, ठीक है। वो डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप या फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, पहले ये जान लीजिए। तो ये एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट, जिसका यूज डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए किया जाता है
यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी, कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज को पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप को यूज किया जाता है। अब ये किस फेनोमेना पे काम करता है, तो जनरली ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्कोप का है। ये पूरा ग्लास का एक बॉक्स होता है जिसमें एक रॉड होता है और रॉड के एंड पॉइंट पे दो गोल्ड लीफ लगा रहता है, यानी दो पतला सा लीफ का फॉइल बहुत पतला सा इस तरीके से अटैच रहता है जो फ्रीली ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। ओके, ये मूव कर सकता है, मूवेबल होता है। ओके, तो अगर हम इसमें इसके नजदीक अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे और इसमें टच करेंगे बॉब से, तो सपोज करो अगर इसमें हम टच किए पॉजिटिव चार्ज को, तो ये रॉड को भी पॉजिटिव चार्ज कर देगा, और जब ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये गोल्ड लीफ को भी पॉजिटिव चार्ज कर देगा। ओके, और जब गोल्ड लीफ दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो हम लोग क्या पढ़े थे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, सेम चार्जेस रिपेल करता है, तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज है गोल्ड लीफ और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और यहाँ रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से दूर चला जाएगा, फैल जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये देख करके हम बता सकते हैं कि ये रॉड जो हमने टच किया था वो चार्ज है। ओके, अगर हम नेगेटिव चार्ज वाले रॉड को भी ला करके टच करेंगे, तो ये रॉड को क्या करेगा, नेगेटिव टच करेगा, और ये गोल्ड लीफ को भी नेगेटिव चार्ज कर देगा, और ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण दोनों गोल्ड लीफ एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ये जो पहले जिस स्टेज में था, स्टेट में था, उससे ये थोड़ा दूर चला जाएगा, और ये रिपल्सन होने के कारण एक दूसरे से दूर चला जाएगा, और उससे ये पता चलेगा कि जो रॉड को हमने ला करके इलेक्ट्रोस्कोप में टच किया है वो चार्ज है। ओके, तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, और ये भी बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना चार्ज है, कम या ज्यादा है, कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर ये लीफ अगर हल्का सा फैला, मतलब कम चार्ज है, और किसी दूसरे रॉड को टच करने से ज्यादा फैल गया, ज्यादा दूर चला गया, तो यानी उसमें ज्यादा चार्ज है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे और हम लोग चार्ज के बारे में ओवरऑल सब चीज देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाए, मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।